इंग्लैंड ने टीम इंडिया को दूसरे वनडे में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी कर दी। अब निर्णायक और आखिरी मुकाबला 28 मार्च को पुणे में ही खेला जाएगा। वहीं भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 5 वनडे में 4थी बार हार मिली है। एक जीत मौजूदा सीरीज के पहले वनडे में मिली थी, जो इंडिया ने 66 रनों से जीता था। वहीं पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया के लिए ओपनर लोकेश राहुल ने 114 बॉलों पर 108 रनों की पारी खेली। हालांकि इस पारी पर इंग्लिश ओपनर जॉनी बेयरस्टो का शतक भारी पड़ा। वहीं बेयरस्टो ने 112 बॉलों पर 124 रन बनाते हुए इंग्लैंड को जिताया। वहीं टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट गंवाकर 336 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम ने 4 ओवर में 337 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। वहीं बेयरस्टो ने करियर का 11वां वनडे शतक भी लगाया। उनके अलावा बेन स्टोक ने 52 बॉलों पर 99 रन और जैसन रॉय ने 52 बॉलों पर 55 रनों की अहम पारी खेली। वहीं आपको बताते कि 337 रन के टारगेट के जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत शानदार रही। जैसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने 102 बॉलों पर 110 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। वहीं टीम इंडिया ने लगातार 5वें वनडे में 300 प्लस रन स्कोर बनाया, ऐसे उसने दूसरी बार किया। इससे पहले भारतीय टीम ने 2017 में लगातार 5 वनडे में यह उपलब्धि हासिल की, तब इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच में यह स्कोर बनाया था। इस बार 2 मैच में भारत ने कारनामा किया है। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।